अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए बिनेली 180S। काफी पॉपुलर है ये यंग जनरेशन के अंदर, और इटालियन डिजाइन, मेड इन चाइना, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। डेली कम्यूट के लिए मनोवरिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेटिंग पॉस्चर बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज बेहतर है, तो डेली कम्यूट के लिए एक अच्छी मशीन एक अच्छी क्वालिटी के साथ है। इस वक्त इस बाइक का रिव्यू कर स्टार्ट करने से पहले आपको इससे कुछ बताता चलूँगी। इस वक्त जो बिनेली 180S है वो मार्केट में करंटली अवेलेबल नहीं है। प्री बुकिंग के ऊपर बाइक आ रहा है, और प्री बुकिंग के ऊपर प्राइस जो कंपनी चार्ज कर रही है वो 6 लाख है, और एक्सपेक्टेड डिलीवरीज एंड ऑफ जनवरी। ये स्पेसिफिक बाइक सिर्फ इसकी माइलेज 506 है, और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन का बाइक है, जस्ट लाइक 0 मीटर। आज कंप्लीट इसका रिव्यू लेके आएंगे, कंप्लीट रिव्यू आपको देंगे, और रिव्यू में जाने से पहले इस वक्त आपको सबसे पहले इसकी प्राइसेस पे बताते हैं। ये बाइक जैसा कि मैंने आपको बताया 2021 का मॉडल है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, आप यही समझे ब्रांड न्यू बाइक ले रहे हैं। इसकी प्राइस जो डिमांड की जा रही है वो 5,65,000 रुपये है, और चलते हैं जी आवाज बाइक की कम्प्लीट डिटेल रिव्यू की जाने, और आपको इसका एंड भी करवाएंगे साउंड जी। तो व्यूअर्स, बात करते हैं इसकी, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट के ऊपर बड़ी खूबसूरती इसकी लाइट है, जो कि KTM से काफी ज्यादा रिजेंबलेंस रखती है। यहाँ पर आपको DRL भी नजर आते हैं, और उसके साथ साथ LED भी आपको यहाँ पर लाइट दी जाती है। फ्रंट शॉक्स की अगर बात कर लीजिए तो बड़े ही ज्यादा पावरफुल अपसाइड डाउन यहाँ पर हमें शॉक्स से दिए जाते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक की अगर बात कर लीजिए तो फ्रंट के ऊपर आपको सिंगल डिस्क ब्रेक में ड्यूल पिस्टन कैलिपर मिलता है, और अगर फ्रंट टायर की बात कर लीजिए तो फ्रंट के ऊपर इसके 180/17 का टायर लगाया गया है, 180/17। इसी तरीके से अगर रेयर की बात कर लीजिए तो रेयर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर 130/70/17 का टायर दिया जाता है, और सिंगल डिस्क ब्रेक सिंगल पिस्टन कैलिपर यहाँ पर आपको दिया जाता है। काफी ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर आपको मोनो शॉक दे दिया जाता है। इस बाइक के ऊपर अपना स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, साउंड इसकी स्टॉक एग्जॉस्ट होने की वजह से बिल्कुल नॉर्मल साउंड है, जिसको मजीद आप इंक्रीज कर सकते हैं एग्जॉस्ट चेंज करके। रेयर मडगार्ड की बात कर लीजिए तो इस बाइक की अगर आप फिजिक ओवरऑल देखें तो काफी स्लिम सा बाइक नजर आता है आपको, और शॉर्ट ये बाइक नजर आता है, जबकि इसकी टेल बॉडी से बाहर निकली हुई है जो इसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा करती है, और इसके टायर को भी प्रॉपर कवर करती है। और अक्सर बाइक के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आता है इस तरह के बाइक के अंदर कि उससे जितना भी कीचड़ है, पानी है, वो आपके कपड़ों को खराब करता है। बट इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं कि रेड के ऊपर एक मडगार्ड ऐसा दिया हुआ है जो पानी को आपके कपड़ों तक पहुंचने से रोकता है। उसके अलावा एक खूबसूरत चेन कवर प्लास्टिक का है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको व्हील स्क्रूज भी दिए जाते हैं। इंजन की अगर बात कर लीजिए व्यूअर्स, तो ये एक EFI इंजन है, वाटरकूल टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और 6-speed रिवर्स ट्रांसमिशन यहाँ पर हमें दे दिया जाता है। EFI होने की वजह से इसकी पिक काफी बेहतर है, माइलेज काफी अच्छी है, और गियर शिफ्टिंग काफी ज्यादा स्मूथ है। अगर टैंक की बात कर लीजिए तो टैंक के अंदर हमारे पास 10 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी मौजूद है, 10 लीटर पेट्रोल इसके अंदर डाला जा सकता है। इसी तरीके चलते हैं जी, अब आपको इसके रिव्स की जानिब लेके चलते हैं, तो राइट के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, पार्किंग लाइट की, ऑन ऑफ की और हाईलाइट की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा यहाँ सेल्फ स्टार्टर दे दिए जाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर आप आ जाए तो यहाँ पर आपको डिपर, लो हाई, हॉर्न और इंडिकेटर की ऑप्शन दी जाती है। मीटर की जानिब चले जाए तो मीटर क्लस्टर इसका काफी ज्यादा खूबसूरत है, डिजिटल मीटर क्लस्टर है जिसके अंदर आपको माइलेज की ऑप्शन दी जाती है, ट्रिप ए ट्रिप बी की ऑप्शन दी जाती है, RPM की ऑप्शन दी जाती है,
और फ्यूल गेज दी जाती है, साथ साथ गियर इंडिकेटर भी दिया जाता है। व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक चीज बताना जरूरी समझ दो कि जितने भी EFI बाइक्स हैं उसके अंदर आप कोशिश किया करें कि उसका फ्यूल टैंक हाफ से ऊपर हो, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, तो इसके फ्यूल टैंक के अंदर एक पंप इंस्टॉल होता है जो कि पेट्रोल को सक करके थ्रॉटल बॉडी तक पहुंचाता है। पेट्रोल कम होने की सूरत में जब वो पंप खाली चलता है तो पंप वीक हो जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पंप खराब हो जाता है, तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। व्यूअर्स ये चलते जी आपको इसके साउंड टेस्ट की जाने और आपको इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। जी तो व्यूअर्स ये आपने देखा कंप्लीट रिव्यू ऑफ दिस बिनेली 180S। फर्स्ट टाइम हमने अपने चैनल के ऊपर इस बाइक का रिव्यू किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बाइक पसंद आया होगा। और जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इस बाइक की प्राइस जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 5,65,000 रुपये है, 5,65,000 रुपीज। और इस बाइक को परचेज करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे से रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।